हेलो वैन, वेलकम दोस्तों। मैं हूँ अमीश और आप देख रहे हैं एमएस टेक्स। दोस्तों आज यहाँ पर मैं अपने इस ड्रोन के सभी ESCs को कैलिब्रेट करने के तरीके को बताने जा रहा हूँ। तो आपको हमेशा एक ही तरीका पता होगा जो कि आप अपने इस APM से या फिर पिक्सो हॉक से या फिर नाजा से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टोटल तीन तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी ESCs को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो हमारा ये APM ही होता है जिसके थ्रू हम अपने चार ESCs को एक ही समय पर कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको श्योर हो जाना है कि आपकी जो सारी ESCs हैं वो आपके APM फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पर भी, और इसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये भी आपस में बॉन्ड है और आपस में यहाँ पे वायर से कनेक्टेड है। तो इसके बाद हमें अपने इस ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है, और ऑन कर लेने के बाद इस थ्रॉटल को मोस्ट अप पोजिशन पे रख देना है और छोड़ देना है। इसके बाद हमें अपनी इस बैटरी को अपने ड्रोन के साथ यानी कि फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट करना है ताकि हमारी सारी ESCs को पावर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ टोन्स सुनाई देने वाली हैं। तो एक बार ये हो गया, थ्रॉटल अभी भी ऊपर है, रेडियो अभी भी ऑन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो रेडियो ऑन है, थ्रॉटल अप है। अब इसके बाद हमें फिर से एक बार इस बैटरी को निकालना होगा और वापस से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको ये सारी ESCs की आवाज़ सुनाई देंगी। ये 3S बैटरी है इसलिए तीन बार यहाँ पर आपको बीप सुनाई देगी। तो अभी इस ESC को पता हो चुका है कि मोस्ट एक्सट्रीम जो थ्रॉटल है वो क्या है। अब मुझे इसे डाउन कर देना है, मोस्ट डाउन थ्रॉटल। तीन बार ये बीप सुनाई देगी और हमारा जो चारों के चारों ESC है वो कैलिब्रेट हो चुकी है। अब हम जैसे ही थ्रॉटल को हल्का सा भी अप करेंगे हमारी चारों मोटर्स मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका जो कि आप हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं अपने ड्रोन के साथ। अब हम लोग यहाँ पर इसे कैलिब्रेट करते हैं हमारे इस रिसीवर के साथ जो कि आपको फ्लाई स्काई के साथ हमेशा मिल ही जाता है। तो फ्लाई स्काई रिसीवर के साथ भी आप अपने इस ESCs को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा रिसीवर और मैंने अपने इस ESC के एक वायर को निकाल लिया जो कि हमारा सिग्नल वायर होता है और प्लस और माइनस वाला वायर होता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने इस रिसीवर में चैनल नंबर 3 में जिसमें आपका थ्रॉटल होता है। तो यहाँ पर पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए माइनस प्लस और सिग्नल इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर भी आपको माइनस प्लस और सिग्नल मिल जाएगा। तो जस्ट इसे चैनल नंबर 3 में कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद मुझे अपने इस ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है और इसे मोस्ट अप पर छोड़ देना है और साइड में रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो अभी ESC को मालूम हो चुका है कि मोस्ट अप थ्रॉटल कैसा है। अभी भी ये थ्रॉटल अप ही है और यहाँ पर यह ट्रांसमीटर भी ऑन है। अब मुझे इस बैटरी को वापस से डिसकनेक्ट करना होगा और फिर से कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसे मोस्ट डाउन करूँगा तीन बार ये बीप आ जाएगी और ESC को मालूम हो चुका है कि 3S बैटरी लगी है और इसका मोस्ट डाउन थ्रॉटल ये है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। अब मैं इसे जैसे ही हल्का सा ऊपर करूँगा ये हमारी जो मोटर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से आप अपने सभी ESCs को एक एक करके कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये मेथड भी आप कभी कभी यूज़ में ले सकते हैं जब जब आपकी ESC आपके APM के थ्रू कैलिब्रेट ना हो रहा हो, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ESCs ऐसी आ जाती हैं जो कि APM के साथ कैलिब्रेट नहीं होती हैं, वो 1x1 कैलिब्रेट होती हैं। तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं अपनी सभी ESCs को इस सर्वो टेस्टर के थ्रू। तो सर्वो टेस्टर भी एक ऐसा छोटा सा गैजेट है जो कि हमारी ESCs के लिए कैलिब्रेशन के लिए बनाया गया है और सर्वो को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और कई बार इसका यूज़ हम लोग अपने मोटर्स के रोटेशन को ठीक करने के लिए करते हैं, वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मोटर थोड़ी बहुत लड़ जाती है दीवार में या कहीं पर भी तो वो हल्का सा बेंड हो जाती है। तो उस सिचुएशन में कुछ हद तक इस सर्वो की मदद से वाइब्रेशन को चेक कर लेते हैं कि हाँ अभी वाइब्रेशन ऐसा है। खैर वाइब्रेशन चेक करने के लिए हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और वो कभी मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा।
फिलहाल हम लोग अपने इस ESC को इस सर्वो टेस्टर के थ्रू कैलिब्रेट कर लेते हैं, जो कि ये भी एक ऑप्शनल है। अगर आपकी ESC इस रिसीवर और APM के थ्रू भी कैलिब्रेट नहीं हो रही है, तो लास्ट में आपके पास ये चारा बचता है कि आप इस सर्वो टेस्टर के थ्रू कैलिब्रेट कर लें। तो चलिए फिर आप अपने इस सर्वो टेस्टर के थ्रू भी अपनी ESC को कैलिब्रेट कर लेते हैं। अब इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट मिल जाता है। इनपुट में आपको 4.8 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक आपको देना है, उसके बाद ये सर्वो टेस्टर ख़राब हो सकता है। तो चलिए आप अपने ESC को अपने इस सर्वो टेस्टर के थ्रू कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट, एक यहाँ पर स्विच, 3 इंडिकेटर्स LED जो कि मेन, न्यूट्रल और ऑटो पर हैं। यहाँ पर एक रोटरी है जो कि हमारे सर्वो की स्पीड को घटाता और बढ़ाता है। तो इनपुट में आपको देना है 4.8 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। पोलैरिटी आपको यहाँ पर दिखी जाएगी, माइनस प्लस और सिग्नल, माइनस प्लस और सिग्नल। जस्ट वैसे ही आपको आउटपुट भी देख लेना है, आउटपुट में भी माइनस प्लस सिग्नल। और आउटपुट में आप मैक्सिमम 3 ESC को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस ESC को कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना है कि ESC की सिग्नल वायर को लेना है और ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट में। आउटपुट में पोलैरिटी को ध्यान में रख लीजिएगा, वरना ये सर्वो टेस्टर आपका ये बर्न भी हो सकता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर इनपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है, तो इस सर्वो टेस्टर को वोल्टेज मिलेगा कहाँ से? तो आपको पता होगा कि ESC जो है आउटपुट भी देता है 5 वोल्ट का, और प्लस सिग्नल भी दे रहा है। ESC के आउटपुट से ही मैं इस सर्वो टेस्टर को आउटपुट यानी इनपुट दे रहा हूँ। और क्या करना है कि आपको इस थ्रॉटल को यानी इस रोटरी को मैक्सिमम पर सेट करना है, एकदम मैक्सिमम पर, और साइड में रख देना है। और उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करना है। आपको ये बीप सुनाई देगी। अब आपको इस रोटरी को बिल्कुल डाउन कर देना है। 3 बार ये बीप सुनाई दी, यानी कि 3 सेल लगे हुए हैं इस बैटरी में, यानी 3S बैटरी है। अब जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा, हमारी ये मोटर मूव करेगी। तो इस तरह से आप पूरे 3 मेथड के थ्रू हमारे इस ESC को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड इसलिए मैंने बताया क्योंकि यार कई बार जो ESC हमारे पास आती हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। सही इन द सेंस वो सही तो होते हैं, लेकिन उन्हें कैलिब्रेट करने का तरीका कई बार हमारा APM सपोर्ट नहीं करता है, और हो सके तो आप इस रिसीवर के थ्रू भी उसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना, और अगर कोई क्वेश्चन है इस ड्रोन के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बहुत जल्द आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।